हिमाचल प्रदेश की उत्तरी क्षेत्रीय फॉरेस्टिंग लैब धर्मशाला बहुत जल्द भारत सरकार की निर्भय योजना के तहत और भी हाईटेक योजना होने जा रही है। इसके लिए बाकायदा भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से 7,29,00,000 रुपए भी मंजूर हुए हैं, जिसकी पहली इंस्टॉलमेंट 3.5 करोड़ रुपए क्षेत्रीय फॉरेस्टिंग लैब धर्मशाला के पास भी पहुंच चुकी है और उसके तहत यहां हाईटेक मशीनों की इंस्टॉलेशन का भी काम शुरू हो चुका है। काबिले गौर है कि इन मशीनों की धर्मशाला की लैब में इंस्टॉलेशन के बाद बच्चों और महिलाओं के साथ गठित होने वाले आपराधिक मामलों की रिपोर्ट कुछ दिनों की बजाय घंटों में ही हासिल करने का लाभ मिलेगा। साथ ही जिन मामलों को सुलझाने के लिए पुलिस विभाग की फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता था, वही इंतजार बेहद ही कम हो जाएगा और मामलों को तुरंत सुलझाने में भी सफलता हासिल होगी। इतना ही नहीं, कई बार जिन मामलों में साक्ष्य के तौर पर मोबाइल फोन रिकॉर्ड पुख्ता भूमिका निभाते हैं, अगर उन मोबाइल फोन को अपराधियों द्वारा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है तो भी इन मशीनों के जरिए उस मोबाइल का हर रिकॉर्ड हासिल किया जा सकता है, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिसके लिए न केवल हिमाचल प्रदेश की उत्तरी क्षेत्र की फॉरेंसिक लैब दूसरी लैब पर डिपेंड थी, बल्कि हिमाचल की दूसरी लैब समेत कई राज्यों में भी इस तरह की मशीनों का नितांत अभाव था। बावजूद इसके अभी समस्या भी जल्द हल होती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की उत्तरी क्षेत्र की फॉरेंसिक लैब में उपनिदेशक मीनाक्षी महाजन की माने तो निर्भय योजना के तहत धर्मशाला की ही नहीं बल्कि प्रदेश का फॉरेंसिक साइंस विभाग भी बेहद सशक्त होगा और इस योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर बच्चों और महिलाओं के साथ गठित होने वाले अपराधों से संबंधित साक्ष्यों और डीएनए रिपोर्ट को खंगालने समेत अपराधियों तक जल्द पहुंचने में मदद मिलेगी। जो निर्भय योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश फॉरेंसिक डायरेक्टरेट को 7.29 करोड़ रुपए की ग्रांट आ चुकी है और उसके अंतर्गत हमने जो डीएनए के कंज्यूमेबल्स के लिए रीजनल लेवल पे डीएनए को एस्टैब्लिश करने के लिए और साइबर फॉरेंसिक को स्ट्रेंथन करने के लिए मैन पावर और इक्विपमेंट का हमारा ये बजट था। इसके अंतर्गत हमने आज तक जो है इक्विपमेंट जो है दोनों हुई आरएफएसएल धर्मशाला के लिए भी और आरएफएसएल मंडी के लिए भी डीएनए स्टार्ट करने के लिए इक्विपमेंट्स खरीद लिए हुए और लैब्स जो है वो चालू करने की कोशिश में है कि जल्द से जल्द डीएनए का काम यहाँ पे शुरू हो जाए ताकि हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को डीएनए रिपोर्ट जो है तुरंत मिले। गांव और बच्चों के जहाँ तक संदर्भ की बात है, आपको पता है आए दिन हम रेप की खबरें सुनते हैं। रेप केसेस को प्रूव करने के लिए और डिसप्रूव करने के लिए अगर कोई वाकई जिसने गुनाह किया है तो उसको प्रूव करने के लिए डीएनए का हमारा एक हथियार है कि उसके मिलान से ये सुनिश्चित होता है कि आदमी वो रेप केस में संलग्न है। और इसके अलावा जो कोई इनोसेंट इसमें फंस जाता है तो उसमें अगर डीएनए एनालिसिस हो जाए और वो वहाँ से उनका प्रोफाइल डीएनए प्रोफाइल मैच ना करे तो वो डिलिंक भी हो जाता है। इसलिए जो बेगुनाह होता है उसको भी इंसाफ मिल जाता है डीएनए टेक्नोलॉजी इस तरह की और महिलाओं और बच्चों के केस में खासकर ये बहुत कारगर सिद्ध होने वाला। इसके अलावा आजकल आप देखें कि डिजिटल जमाना है, लोग जो है छोटी छोटी पॉर्न वीडियोज मूवीज और रेप करने के बाद इवन उनको भी रिकॉर्ड करते हैं और जब वो मीडिया में चली जाती हैं तो उन्हें डिलीट कर देते हैं। तो भारत सरकार के प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम साइबर फॉरेंसिक जिसमें सेल फोन फॉरेंसिक को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके अंदर हमारे आजकल जो मोबाइल फ़ोन लोगों को ये भ्रम रहता है कि हम मोबाइल फ़ोन को तोड़ देंगे, पानी में फेंक देंगे या कुछ किसी तरह से शॉर्ट कर देंगे, हम इससे डाटा नहीं निकाल पाएंगे, एनालिसिस नहीं हो पाएगा, तो गलत है। इस परियोजना के अंतर्गत हम लगभग 1 करोड़ के इक्विपमेंट्स उसके लिए खरीद रहे हैं, सप्लाई ऑर्डर उसका चला गया है और जैसे ही हमारा ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आएंगे हमारे एक्सपर्ट्स को ट्रेनिंग के उपरांत हम ये कार्य भी यहाँ पर शुरू कर देंगे।